इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैंने आपको समराइज़ किया है। ये एक बुक है, उसमें भी आपको मिलेगा अच्छे से। उसका नाम है फाइनेंशियल शेनानिगन्स। उस बुक को मैंने काफ़ी हद तक इसमें समराइज़ करने की कोशिश की है, और ये फैक्टर्स जो है इन्होंने खुद मेरी काफ़ी मदद की है, और मैं आपको बताऊँगा आगे वो कैसे इस जो ये नॉलेज है मेरे काम आई। अभी आप देख ही रहे हैं कि मार्केट जो है 15 से 20% नीचे है। इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वो भी 20 से 30% नीचे इंडिविजुअल स्टॉक हो गए, जैसे रिलायंस हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया। ये सब अपने आप देख सकते हैं, अपने जो टॉप्स है उससे 20 से 30% नीचे है। कुछ IPOs तो 70 से 80% गिर गए हैं, वो जब जस्ट 20-30% प्राइसिंग में हैं। देखिए, जो मैं आपको बताया कि ये फैक्टर्स ने मेरी कैसे मदद करी थी, वो इसमें बहुत यूज़फुल रहे थे IPO में इन्वेस्टमेंट के दौरान। IPOs का अगर मैं आपको नाम लूँ कि एक तो अभी लेटेस्ट IPO आया था, कुछ से पहले IPO आया था, बहुत ही बड़े IPO थे। हालांकि और जो पुराना IPO था, एक आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन बैंकिंग वॉलेट वाली कंपनी का IPO था। मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे उस पर बहुत डाउट था, और उसमें इन्हीं फैक्टर्स की सबसे ज़्यादा मदद थी। और आप देख सकते हैं उसका ऑलरेडी उसकी प्राइसिंग बहुत ही लो है, और इस कारण से कई लोगों ने 2-3 लाख रुपए का लॉस खाया। जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना करोड़ों का लॉस भी करना है। और ये काफ़ी चीज़ें मैंने नेट सोशल मीडिया पर चल रही हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। IPO की बात नहीं कर रहा, इन जनरल कर रहा हूँ, जो मार्केट डाउन है उसके कारण। लेकिन जैसा होता है कि कोई भी चैलेंजिंग टाइम होता है तो उसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं हमारे पास अच्छी, वैल्यूएबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की। अगर मैं आपको कहूँ रियली, इफ़ आई टेल यू, कि मुझे कोई खास ये वैल्यू ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ में डिफरेंस नहीं नज़र आता। कंपनीज़ एक ही तरह की होती है कि उनमें प्रॉफिट बन सकता है या नहीं बन सकता। वो प्रॉफिट जो अपने काम को है वो ईमानदारी से करती है कि नहीं करती, वो जो अपने इन्वेस्टर्स हैं या पब्लिक है उसको सही इन्फॉर्मेशन देती है कि नहीं देती। बस ये 3-4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वैल्यू ओरिएंटेड मान लीजिए, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ मान लीजिए। मुझे तो ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को कन्फ्यूज़ करने के तरीके लगते हैं, जो कि ओवर ए पीरियड डेवलप किए गए हैं। क्या होता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऐसे जार्गन्स यूज़ करना या इस तरह की डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करने से क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, ऐसा देखा गया। तो उसी में ये उसी का परिणाम है या रिजल्ट है कि वैल्यू ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ का जो नामकरण है या जो नेमिंग सिस्टम है वो एग्जिस्ट में आया। हाँ, अब अच्छी कंपनीज़ को ढूंढना देखिए थोड़ा चैलेंजिंग तो है। आप जिस भी चीज़ में पैसे इन्वॉल्व होंगे वो हमेशा चैलेंजिंग रहेगा। अगर मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी इजीली ये कहता है कि भाई मैं तो बहुत ही आसानी से कोई कंपनी ढूंढ लेता हूँ और करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता तो अब तक अरबपति बन चुके होते। आप देख लीजिए किसी भी स्टॉक ब्रोकर का नाम अरब जो इंडिया के बिलियनर्स की लिस्ट में नहीं है, जो हैं वो पुराने ही हैं, राकेश झुनझुनवाला वगैरह। और उसके अपने उनकी सक्सेस के अपने कारण हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा उन्होंने कि और भी कई से कारण हैं जो आप समझ सकते हैं। हो सकता है पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि क्या वो कारण रहे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन कंपनीज़ के बारे में जिनमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। देखिए, इस फैक्टर को, जिन फैक्टर्स को मैं आपको बता रहा हूँ, उस फैक्टर से आप आराम से 20-30% अर्न कर सकते हैं। मेरा खुद का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 20-30% रहा है। हालांकि जो 2020 का मार्केट जब डाउन हुआ था तब तो 60% तक मैंने अर्न किया था, जो मेरा पोर्टफोलियो था। लास्ट ईयर भी 20-25% रहा, और लगभग आपको 2-3 साल में आप समझ में आ गए हो 20% अर्न करना भी कोई मजाक चीज़ नहीं है। और अभी भी मैं 2 से 3% रिटर्न अर्न कर रहा हूँ, तो लगभग ये रहेगा पर मंथ, बता रहा हूँ 2 से 3% मतलब पर मंथ। तो आपको देखिए फ्यूचर में भी ये रहेगा। अगर आप सोचेंगे कोई बहुत ज़बरदस्त कोई डिफरेंस क्रिएट कर देंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी 20-30% रिटर्न बहुत होता है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, और मैं इसमें आपको एग्जांपल भी देता चलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक एग्जांपल तो काफ़ी पुराना है, एनरॉन कंपनी आपने सुनी होगी। एनरॉन जो कंपनी थी, बेसिकली ये नाम थोड़ा कैपिटल के स्मॉल ही हो गया। एनरॉन जो कंपनी थी ये इलेक्ट्रिसिटी में इसका बिजनेस था, पावर बिजनेस था, और ये उस वक्त की बहुत नामी कंपनी मानी जाती थी। ये लगभग 2000 के आसपास की बात है। ये इस पे डाउट कैसे क्रिएट हुआ था, ये कंपनी ने क्या किया था, अपनी अर्निंग्स दिखाई कि बहुत प्रॉफिटेबल हो रही है, लेकिन उसके साथ ये बैलेंस शीट नहीं दिखा रही थी। हालांकि आप तो काफ़ी टाइट टर्म्स हो गए, बैलेंस शीट दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन आपको 2020 के जो मार्केट एकदम से गिरा था जो कोविड के कारण, उसमें भी देखा हुआ बहुत सी कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिले कर रही थी। तो उसका कारण यही रहता है कि अर्निंग्स नहीं होती और अगर फेलिटी दिखाई देती है, लॉसेस दिखाई देते हैं तो इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं और कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो दो जर्नलिस्ट थे, रेबेका स्मिथ एंड जॉन एम्शविले, इन्होंने एक बुक लिखी थी 24 डेज हाउ टू वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड। जो ये थे इन्होंने क्या करा था कि ये आइडेंटिफाई कैसे किया था कि एनरॉन जो है झूठ बोल रही है। उसको क्या करा था कि जो सीईओ थे, जो उस वक्त एनरॉन कंपनी के जो सीईओ थे जेफरी स्किलिंग नाम था इन सीईओ का, और ये क्या 46 की एज में रिटायर हो गए थे। तो कोई भी सीईओ जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि मिलियन डॉलर की जॉब होती है, करोड़ों रुपए का इनका पैकेज होता है। आज भी आपने देखा होगा जैसे टाटा के जो हैं सीईओ उनको 70-80 करोड़ रुपए मिलते हैं तो सालाना के तौर पर पैकेज रहता है। तो इतने बड़े पैकेज को कोई आसानी से ऐसे छोड़ के नहीं चला जाता कि मैं रिटायर हूँ। जब भी कोई सीईओ किसी कंपनी को अचानक से छोड़ दे, खासतौर से नामी बंदा हो और बहुत प्रॉफिटेबल दिखा रहा हो कंपनी को और फिर छोड़ दे, तो ये हमेशा एक जो होता है रेड फ्लैग होता है, यानी डाउटफुल चीज़ होती है। ये आप येस बैंक में भी देख सकते हैं। येस बैंक में भी क्या हुआ था, जो सीईओ थे उसे छोड़ दिए थे, उनके जो वाइफ थी उनके पास जो शेयर थे उन्होंने वो बेच दिए थे। अगर आपको येस बैंक के शेयर्स का मूवमेंट अगर याद नहीं तो मैं आपको बता दूँ, येस बैंक 10-12 रुपये पर आया था, फिर 70-75 रुपये पर गया था। और जो मिस्टर राणा उनकी वाइफ के पास जो शेयर थे उन्होंने काफ़ी हद तक वो बेच दिए थे, शायद सारे शेयर बेच दिए थे या 70-80% शेयर्स उस वक्त बेच दिए, जैसे 75 गया था। उसके बाद येस बैंक वापस लौट के आया, 10-12 रुपये पर चल रहा है। हालांकि मेरा इसके बारे में ओपिनियन अपना है कि मुझे लगता है कि येस बैंक काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है, इसके हिसाब से आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा, आपको खुद लगे तो कीजिएगा। दूसरा, जैसे बिना बैलेंस शीट के मान लीजिए कोई कंपनी अर्निंग रिलीज़ करती है तो ये एक तरीके का फ्रॉड माना जाता है, मैनिपुलेशन माना जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट से आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। बैलेंस शीट में हर चीज़ होती है, कहाँ पर खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कौन सप्लायर्स हैं, किस कंपनी उस कंपनी के क्लाइंट हैं, किस कंपनी से वो बिज़नेस मतलब किससे वो बिज़नेस ले रही है, किस तरीके से उसका बिज़नेस है, इसकी पूरी जानकारी रहती है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट वगैरह रहती है, तो उसको देखना ज़रूरी होता है। अगर उस बैलेंस शीट आप किसी भी प्रेसिडेंट या किसी भी कंपनी की जो रिपोर्ट आ रही है कि मेरी कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है, उसको बैलेंस शीट से या कैश फ्लो स्टेटमेंट से सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। चैनोज थे, उसने एनरॉन के इस बैलेंस शीट को एनालाइज किया था और उससे पता कर लिया था कि इसमें फ्रॉड हो रहा है या उसमें कुछ झगड़ा, उसमें कुछ बड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है। और रेबेका स्मिथ और जॉन एम्शविले ने कैसे पता किया था, जब सीईओ ने जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे एमडी, उन्होंने रिटायरमेंट प्री मैच्योर रिटायरमेंट कह सकते हैं 46 की एज में ले लिया था। तीसरा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखिए क्रेडिट रेटिंग आप बहुत ज़्यादा सुनते हुए, लगभग डेली बेसिस पे आप न्यूज़ पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग आती है। इसमें दो चीज़ें, क्रेडिट रेटिंग में अगर डाउनग्रेड आया तो डाउनग्रेड हमेशा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने लायक बात होती है। उसका कारण ये होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को ये कंपनीज पेमेंट करती हैं कि उनको उनको रेट करें। और ये मैंने कई और इन्वेस्टर से भी सुना है या जो लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में रहे हैं उनसे भी सुना है, खूब डिस्कस किया हुआ है कि जो कंपनीज़ होती हैं उनकी जो पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग देने में तो कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बहुत ज़्यादा झंझट होता नहीं है। अगर उनको थोड़ा बहुत पॉजिटिव लगता है तो अच्छी रेटिंग दे देते हैं, लेकिन डाउनग्रेड वो बहुत मुश्किल से करते हैं, क्योंकि एक तो इससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बिजनेस हार्म होता है। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपनी साख को या अपनी इमेज को हमेशा एक न्यूट्रल बनाने को दिखाने के लिए और ईमानदारी दिखाने के लिए वो हमेशा डाउनग्रेड बहुत आसानी से नहीं करती। अगर उन्होंने डाउनग्रेड किसी को कर दिया है तो आप ये समझ लीजिए आपको भाग जाना चाहिए। ये एक बुक है, बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद डेली इन्वेस्टर्स इस तरीके से एक नाम है, मैंने बुक पढ़ी थी। उसके अंदर ये था कि अगर आपको क्रेडिट रेटिंग बोलती है कि बाय कर लो तो आप सोचो समझो कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस को तब बाय करो। अगर क्रेडिट रेटिंग बोलती है आपको होल्ड कर लो तो उस बुक के अकॉर्डिंग यह है कि आप उसको सेल कर दो इमीडिएटली, और क्रेडिट रेटिंग ये कहती है कि आप इसको सेल कर दो तो आप तो भाग ही जाओ उस कंपनी से, क्योंकि जो डाउनग्रेड होती है वो कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत आसानी से नहीं करती है। एनरॉन ने अपनी रिपोर्ट को बहुत मैनिपुलेट किया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पॉजिटिव जो है क्रेडिट दिलाने के लिए। आपको सत्यम कंप्यूटर का जो इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम आपको याद होगा, उसमें भी ऐसा ही था। उन्होंने अपने ऑडिट अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया था। कंपनी लॉस में चल रही थी, उसको कंपनी को प्रॉफिट में दिखाया गया था। फिर है बाइंग सच कंपनीज विच डज नॉट ऐड टू इट्स बिजनेस शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि ऐसे ऐसे बिजनेस को एक्वायर करती है जिससे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब कंपनी को कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे सर्विस ऑक्सलैंड ने क्या करा था, ऐसी कंपनीज खरीद ली थी जिससे उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। और उन्होंने कंपनी खरीदी कैसे थी, इसने सर्विस ऑक्सलैंड ने इसने क्या करा था कि शेयर्स के थ्रू कंपनीज खरीदी थी, तो इन्होंने पैसे कुछ भी नहीं दिए थे। तो अब दूसरी कंपनीज के एसेट्स इनकी बैलेंस शीट में जुड़ गए, पेमेंट इन्होंने कुछ करा नहीं, और शेयर्स के थ्रू वो सारा का सारा जो होता है एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन था वो किया गया था। तो एसेट्स बहुत ज़्यादा दिख गए, एक्सपेंस कुछ दिखे नहीं, और सर्विस ऑक्सले जो है बहुत प्रॉफिटेबल दिखी। ऑल दो बाद में पता चला कि ये सब फ्रॉड है, इतना फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। एक्सट्रीम रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सट्रीम रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि जैसे अचानक से रिस्ट्रक्चरिंग, वैसे तो नाम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोबारा से कुछ कुछ बेनिफिट मतलब कुछ घटाया कुछ बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन जब भी होती है कंपनी में क्या होता है, छटनी होती है, लोगों को निकाला जाता है। निकालने की दो ही सिचुएशन होती है कि कंपनी के पास जो है वो अब पैसे नहीं है, और दूसरा वो अब लॉस बना रही है। इसलिए अगर कभी भी बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स का एकदम से कर रहे हैं, देखिए 5 से 10% तो होता रहता है कि कभी कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ तो 5-10% घटा दिए, या प्रॉफिट अच्छा हो गया तो 10-20% ले लिए। लेकिन अगर मान लीजिए 70-80% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम है। जैसे सनबीम में ऐसा हुआ था। सनबीम में क्या होता है, जो उसके सीईओ थे वो क्या कर रहे थे, एक्सट्रीम रिस्ट्रक्चरिंग थी, लगभग 70 से 80% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था, 80-90 ऑफिस थे उसको घटा के 10-20 पे लेके आ गया था। जब तक डायरेक्टर्स को पता चला कि सीईओ क्या कर रहा है और उसको उठा के बाहर फेंका गया, तब तक सनबीम जो कंपनी थी उसकी स्थिति ऐसी कर दी गई थी कि अल्टीमेटली उसको Chapter 11 के लिए जो था फाइल करना पड़ा, एक तरह से बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। तो ये 3 चीज़ें, क्रेडिटिंग, डाउनग्रेड, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अपग्रेड को भले मत लीजिए लेकिन डाउनग्रेड को बहुत सीरियसली लीजिए। ऐसी कंपनीज को जोड़ना जिससे कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, ये हमेशा रेड फ्लैग होता है। एक्सट्रीम रिस्ट्रक्चरिंग हमेशा रेड फ्लैग होती है। फिर है कंपनी अपना डाटा को कब रिलीज़ करती है। देखिए वैसे तो कंपनीज का जनरली क्या होता है, एक डेट फिक्स होती है, उस पर वो बहुत पहले से बता देती है, लेकिन कोई कंपनी उसको बहुत मैनिपुलेट करने लग जाए, आजकल नहीं करती, 90s में कर ये ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ध्यान कोई कंपनी एकदम से उसको डिले कर दे या अपने डाटा को किसी ऐसे दिन ऐसी तारीख को रिलीज़ करें जिसके बाद 3-4 दिन का हॉलीडे हो, ताकि लोग उसके जो बैड डाटा है उस पर ध्यान न दे पाएँ। कंप्यूटर एसोसिएट एक नाम की कंपनी थी USA, उसने ऐसा किया था। उसने क्या करा, छुट्टी से जस्ट पहले शाम को रात को जो था जैसे 8-9 बजे के आसपास अपना डाटा रिलीज़ करा, ये सोच के कि अगले 2-3 दिन छुट्टी है, लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। हालांकि लोग जो इन्वेस्टर थे, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे, उस पर ध्यान दिए हुए थे, और जैसे ही कंपनी ने अपना बैड डाटा रिलीज़ करा, छुट्टी के जस्ट दूसरे दिन उसका 30 से 40% जो स्टॉक्स थे वो गिर गए थे। कंपनी कभी अगर फाइनेंशियल रिजल्ट डिले करती है तो इसका मतलब लॉस होता है। जैसा मैंने आपको बताया कोविड-19 के दौरान ऐसा हुआ था, कंपनीज को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट कई कंपनीज ने डिले करे थे। 8वां पॉइंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसको हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें सिर्फ डेटा नहीं होता, इसमें और भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फाइनेंशियल नंबर्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंपटीशन, किससे कंपटीशन है, लॉ सूट्स, कोई ऐसा तो नहीं कोई कानूनी दाव पेश या कोई कोर्ट केस चल रहा हो, रिस्क किस तरह के हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस किस तरीके की है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्लाइंट क्या है। इसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाता हूँ। वह ये था कि एक जो थी बायोमेडिकल कंपनी थी, मतलब कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो उसने एक दवाई बनाई। उसने क्या करा, $300 मिलियन अलग से रखे, इसलिए कि कहीं फ्यूचर में कोई लॉ सूट हो जाए तो उसके खिलाफ वो लड़ सके। वो जो दवाई थी वो रिएक्शन कर गई, तो बाद में जब मार्केट का मैनिपुलेशन जो ऑब्जर्व किया था मार्केट ने, वो ये किया था कि $300 मिलियन पहले तो कोई बात जाता नहीं था, क्योंकि जो कंपनी की जो दवाई बनाई थी वो उतनी जिनाइन नहीं थी जितनी कंपनी बता रही थी, जिसके कारण उसको होने वाला नुकसान था वो बहुत ज़्यादा होता। इसलिए $300 मिलियन साइड में रखने से ये नहीं कंपनी बहुत प्रॉफिट में हो सकता, उसको 3,000 करोड़ का जो फाइन है या लोगों को जो पैसे उसको देने पड़े एक तरीके से, जब उसके खिलाफ केस हो जाता है, तो 300 करोड़ क्या है, तो लगभग 210 गुना पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमेशा देखनी चाहिए कि कोई लोअर सूट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, किस तरह के रिस्क आने वाले हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उससे हम पता कर सकते हैं सीईओ ट्रूथफुल है कि नहीं। जैसा मैंने बताया कि अगर सीईओ अर्निंग्स के बारे में तो बता रहा है लेकिन बैलेंस शीट रिलीज नहीं करा तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ऑडिटर्स की हमेशा उसमें अंदर कमेंट हुआ, उसमें एक पूरा पैरा होता है कि कमेंट होता है उसका, अगर उसमें उन्होंने कोई सस्पिशन तो नहीं दिखाया। जैसे कि एक कंपनी थी, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आया, उस कंपनी के लिए जो ऑडिटर्स थे उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि इसके इंटरनल कंट्रोल काफ़ी वीक है। अल्टीमेटली क्या था, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो पैसा दिया था वो उसमें उनको नुकसान हो गया। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल जो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, उसके बारे में कोई मैनिपुलेशन के बारे में खबर तो नहीं है। अगर ये वर्ड्स कहीं भी हों तो उसको बहुत सीरियसली लीजिए और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए। अकाउंटिंग प्रैक्टिस में अगर कोई सडन चेंज आ जाए तो ऐसी जो प्रैक्टिस है वो क्यों की गई। अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कंपनीज में डेप्रिसिएशन होता है, कुछ भी वो चीज़ खरीदेंगी तो उसको अपने एसेट्स के रूप में दिखाती है। जैसे कंप्यूटर्स खरीद लिए कंपनी ने तो उसको अपने एसेट के रूप में दिखाएगी, और उसको एसेट में वो साइड में वो नोट होगा कि जैसे 5 करोड़ के कंप्यूटर दिखा दिए तो 5 करोड़ के एसेट है वो, लेकिन ये एसेट डेप्रिशिएट होता है। तो जो कंजर्वेटिव प्रैक्टिस है उसमें यह है कि 3 साल बाद ये 0% हो जाएगा, 3 साल तक जो लैपटॉप है उसकी लाइफ है या कंप्यूटर उसकी लाइफ है, उसके बाद उसको जीरो माना जाता है उस एसेट को। लेकिन एक कंपनी थी, उसका नाम था शायद कॉस्को कंपनी था या एक बहुत बड़ी कंपनी थी, सिस्को आई थिंक इस तरीके से नाम था। उस कंपनी ने क्या करा था, उसको लिबरल कर दिया था और उस एसेट को 10 साल तक अपने जो फाइनेंशियल शीट में उनको कंप्यूटर्स को ऐसे एसेट दिखाया जाता है, जबकि उनको 3 साल दिखाना था। इससे क्या होता है, जो आपके एसेट्स हैं वो ज़्यादा बड़े टाइम तक आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल दिखाई देती है। तो हमेशा डेप्रिसिएशन जो है वो उसको ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी जो रेगुलर बेसिस पे है अपने जो एसेट्स हैं उनको डेप्रिशिएट कर रही है कि नहीं है। कुछ कंपनीज क्या करती है, कोई भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगी तो ग्राफ्स और कलर्स के थ्रू प्रेजेंट करेंगी, बहुत अच्छा उसको लुक देंगी। इस तरीके से जब भी लुक दिया जाता है तो जनरली इसलिए होता है कि सीईओ को लगता है कि या कंपनी को लगता है कि इससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर कलरफुल होती है, कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से नीट क्लीन, मतलब नीट क्लीन तो क्या दिखानी चाहिए, जैसे कलरफुल वे में डिज़ाइंस ग्राफ्स के साथ दिखाई जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो उससे हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है वो उसमें उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव इंक्लिनेशन दिखाने लग जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेसर मार्टिन कैलमैन ने कहा था, इन्होंने एक स्टडी करी उसमें कहा था अगर जो एनुअल रिपोर्ट है उसके फ्रंट उसमें अगर 3 बार से ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आ जाए, प्रेसिडेंट बोले कि जो प्रेसिडेंट की रिपोर्ट है या जो भी है कि चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, इसका मतलब है वो कंपनी अभी लॉस बना रही है, उसने कंपनी ने लॉस खाया है और वो फ्यूचर में भी लॉस बनाएगी अगर 3 बार से ज़्यादा चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट टाइम्स आ जाते हैं, चैलेंजिंग टाइम आता है। तो इस वर्डिंग को खैर अब ओवर ए पीरियड क्योंकि सबको पता है तो ये चीज़ें वर्डिंग्स बदल दी गई होंगी, लेकिन फिर भी आप अगर रिपोर्ट को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कहाँ जा सकती है। दूसरा, प्रेसिडेंट के कोई स्टेटमेंट दिए, अर्निंग दिए और उसके साथ बैलेंस शीट रिलीज नहीं करी, एक तो ये रेड फ्लैग है ही। दूसरा, प्रेसिडेंट या सीईओ ने कोई स्टेटमेंट दिए लेके जो बैलेंस शीट रिलीज की गई उसके साथ जो डाटा है वो उसको कॉन्ट्रेरियन डाटा है, यानी प्रेसिडेंट कह रहा है प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हर कंपनी का एमडी सीईओ यही कहता है प्रॉफिटेबल है कंपनी और फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगी, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया उसमें वो लॉसेज में, तो ये भी एक रेड फ्लैग है और कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ध्यान से सुने। ऑडिटर्स कमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा ऑडिटर्स कमेंट होंगे ही होंगे, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिटर्स हैं उनको बाय लॉ ये बताना होता है कि उसमें किस तरह की इरेगुलरिटीज उन्होंने पकड़ी। सत्यम कंप्यूटर्स का जो केस हुआ था उसमें जो ऑडिटर्स थी उनको सज़ा मिली थी क्योंकि उन्होंने इरेगुलरिटीज़ के बारे में कभी नहीं बताया था, उसको छिपाए रखा। अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसा मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर अचानक से चेंज हो जाए तो ये हमेशा रेड फ्लैग होता है और हमेशा फुटनोट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं कि मेन पेज पे तो अच्छी चीज़ लिखती है लेकिन फुटनोट्स में डिस्क्लेमर के तौर पर चीज़ें लिखती जाती हैं। अगर आप फुटनोट से मेन रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे। कभी भी फुटनोट्स को मिस नहीं करना चाहिए, ये मैंने शुरुआत में बहुत करता था, जिसका मेरी शुरुआती एक डेढ़ साल में काफ़ी खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि फुट नोट्स को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिना इसके आप कभी भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते या उसका रियलिस्टिक एनालिसिस नहीं कर सकते। फुट नोट्स में दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सब्सिडीज़ कौन सी हैं, एग्जीक्यूटिव्स कंपनसेशन क्या है, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, पॉसिबल लॉसूट्स, जैसे मैंने आपको बताया लॉसूट्स प्रॉब्लम है, क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाउनग्रेड तो नहीं दिया। डाउनग्रेड हमेशा एक मतलब रेड फ्लैग होता है या यूँ समझिए एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी में आप जो भी इन्वेस्टमेंट कराएं उसको थोड़ा संभल जाइए। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में, जैसे आप पहले भी हम देख चुके हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट में इस तरह की इन्फॉर्मेशन सीईओ ट्रूथफुल है कि नहीं, ऑडिटर्स ने क्या कहा है इसके बारे में, और अकाउंटिंग प्रैक्टिस में चीज़ तो नहीं करा। ऐसे ही है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती है उसमें और चीज़ होती है, जैसे व्हाट आर द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई चीज़ तो नहीं करी, लिबरल पॉलिसीज तो नहीं है, व्हाट आर द रिस्क दैट आर लर्किंग एट द कंपनी शोर्स, यानी किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो ईवी के आने से पेट्रोल डीजल की कंपनीज को थोड़ा सा नुकसान होगा, तो इस तरह का रिस्क है। ये है ना, चिप्स का एक रिस्क बना हुआ है, ऑटोमोबाइल कंपनीज को जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है रिस्क, वो चिप्स में जो है इंटीग्रेटेड चिप्स आती है, वो अभी काफ़ी मतलब लिमिटेड कैपेसिटी में अवेलेबल है, जिसके कारण ऑटोमोबाइल कंपनीज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कौन से इनके क्लाइंट हैं, तो एग्जीक्यूटिव का कंपनसेशन, हाउ डज इट एक्सपेक्ट टू ग्रो, कौन इसके पार्टनर है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे मान लीजिए उसका एक ही पार्टनर हो, किसी दिन वो क्लाइंट हो, किसी कंपनी का मान लीजिए एक ही क्लाइंट हो और किसी दिन वो क्लाइंट बैंकरप्ट कर जाए चला जाए तो कंपनी भी आपकी उसके साथ डूब जाएगी। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंपनीज जो होती है उनके मल्टीपल क्लाइंट्स होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब ऐसा नहीं, लोग से, देशों से भी होता है, जिस भी कंपनी के यूरोप के क्लाइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, आप हमेशा देखिए वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। जिन कंपनीज के अफ्रीका के क्लाइंट होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस कंपनी के मल्टीपल नेशंस में क्लाइंट्स होते हैं, जैसे यूरोप में भी हैं, यूएसए में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, इधर साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, जापान में भी हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि आईटी कंपनीज में आप देखेंगे, इनके जितने मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे उतनी आईटी कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। मैंने आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जाम्पल दिया था, उसमें यह था मर्क कंपनी थी, इसने एक्चुअली व्योक्स नाम की दवाई बनाई थी जिसके साइड इफेक्ट्स थे, उसके लिए $300 मिलियन रखा, लेकिन जो फ्यूचर लॉसूट्स थे उसको में जो कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ता है वो $300 मिलियन कुछ भी नहीं है, हज़ारों करोड़ रुपए देना पड़ता है। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अभी जॉनसन के बेबी प्रोडक्ट्स में जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स मिले उसके कारण उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। नॉन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेम है, जैसे कंपनी का एक ही क्लाइंट है, अगर क्लाइंट बैंकरप्ट होता है तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। बाकी नॉन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है एसेट्स का वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, उसमें लिबरलिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कंपनी लॉस में जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्लाइंट हैं, कंपनी के मल्टीपल क्लाइंट्स होने चाहिए, अगर एक अधिक क्लाइंट है क्योंकि किसी दिन क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया तो आपकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी। मल्टीपल नेशन में मल्टीपल टाइप्स के लोग के साथ कंपनी की डीलिंग जरूरी है। इफ ए कंपनी यूज नॉन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लाइक इफ कंपनी डिसाइड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन गुड्स आर शिप्ड नॉट व्हेन दे आर एक्सेप्टेड, यू शुड बी वरीड। सिस्को इज वन सच एग्जांपल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं कि उन्होंने कोई शिपमेंट भेजा, उसी को अपने रेवेन्यू में जनरेट कर देंगे। उन्होंने 1 करोड़ का शिपमेंट भेजा, भले अभी वो बिका है कि नहीं, वहाँ एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, लेकिन कंपनी ने कह दिया उसने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो ये हमेशा रेड फ्लैग होता है, इस पर ध्यान दिए। जब तक कि वो वहाँ पे एक्सेप्ट ना हो जाए, लोग उसको खरीद ना लें, तब तक वो रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि वो वापस लौट के भी आ सकता है। सिस्को ने इस तरह का किया था। सिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रांसशिपमेंट वगैरह हम आप इसको देख सकते हैं। ये पहले इस तरह के फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में पकड़े गए, जहाँ पर उन्होंने शिप जो सिर्फ वो गुड्स भेज दिए उसी में रेवेन्यू जनरेट कर दिया। कई कंपनी ऐसा करती हैं, अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाने के लिए क्या करती है, सामान को दुकानों में भेज देती हैं। वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने दुकान में सामान भेज दिया कि हमने तो 20 करोड़ का सामान भेज दिया, उसी को रेवेन्यू जनरेट कर देती है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। रेवेन्यू में क्या करती है, कंपनी दिखा सकती है, कैश फ्लो में इस चीज़ को नहीं दिखा सकते। तो उससे क्या होता है, बैलेंस शीट में आप भी पकड़ सकते हैं कि रेवेन्यू में उन्होंने जरूर दिखाया, लेकिन कैश फ्लो उनका, रेवेन्यू में उन्होंने दिखा दिया 1 करोड़ रुपये, क्योंकि उन्होंने जो सामान भेजा उसी को अपना रेवेन्यू बता दिया, लेकिन कैश फ्लो हुआ सिर्फ 20 लाख का, यानी 80% का डिफरेंस है। बाकी 80 लाख रुपीज़ कहाँ गए, 80 लाख रुपीज़ कहाँ गए। इसका मतलब साफ है कि कंपनी को है काफ़ी नुकसान हो रहा है, या उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना वो प्रॉफिटेबल खुद को बनाने की कोशिश कर रही है। और इस तरह का मैनेजमेंट, इस तरह के लोग कभी भी रिलायबल नहीं होते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बिल्कुल नहीं। इफ ए कंपनी लेंथ एंड डेप्रिसिएशन होराइजन, जैसे आपको पता है यूनियन कार्बाइड ने, अच्छा ये नाम याद आ गया, यूनियन कार्बाइड ने ऐसा कहा था, करा था, उन्होंने क्या करा था, लिबरल पॉलिसीज अपना ली थी। जैसे मैं आपको पता है कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन उन्होंने 3 साल के 10 साल का कर दिया था। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंट्री, सम कंट्रीज कंपनीज ट्राई टू कवर व्हाट इज यूजुअल बिजनेस एक्सपेंस वन टाइम एक्सपेंस आल्सो कॉल्ड एज वन टाइम चार्ज। फॉर एग्जाम्पल टाइको ने क्या कहा था कि उसने एक कंपनी खरीदी, उसका नाम CIT था, $10 बिलियन में, फिर बाद में उसको $4.6 बिलियन में बेच दिया। अब उसको यूजुअल बिजनेस एक्सपेंस में दिखा दिया, जबकि उसको $5.4 बिलियन का नुकसान हुआ इससे। तो इस तरह के जो है शेनानिगन्स, यानी शेनानिगन्स क्या होते हैं, मैनिपुलेशंस। जो मैं आपको बताऊँ, ये सब आपको फाइनेंशियल शेनानिगन्स नाम की किताब है, उसमें सब कुछ मिलेगा, आप बहुत सारे डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप उसको पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको ये बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो जितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंट्रीज हैं किसी भी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटा देनी चाहिए, तब आप उस कंपनी के ट्रू पिक्चर को जान पाएंगे। और आपके लिए एक एडिशनल बोनस के तौर पे देखिए, कभी भी टीवी जर्नलिस्ट, चैनल्स, मैगजीन, इस पर पूरी तरह रिलाय मत कीजिएगा, अदरवाइज आप हमेशा हो सकता है आप प्रॉफिट बहुत अच्छा ना बना सकें और या आप लॉस में चले जाएँ। थैंक यू।